हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केमिकल इंजीनियरिंग कोर्सेज के इस चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टिलेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जो डिस्टिलेशन कॉलम के दो टाइप्स होते हैं, पैक बेड कॉलम और सेकंड होता है ट्रे कॉलम। तो ये दोनों का सिलेक्शन है ना, ये कुछ 9 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। जो बेसिक डिफरेंस इन दोनों में क्रिएट करता है, वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं इन 9 पॉइंट्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हो, प्रोजेक्ट या प्रोसेस में, आपको डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में भी हेल्प करेगा और आपका एक नॉलेज बढ़ाने में भी हेल्प करेगा, जिसमें जिस वजह से आपको काम करने में बहुत आसानी होगी। तो आज चलिए डिस्कस करते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक स्मॉल रिक्वेस्ट है आपको, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, तो एंड में एक लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए, सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस दोनों में है, वो है कैपेसिटी। कि पैक बेड और ट्रे कॉलम, ये दोनों में से ज़्यादा हमारा कैपेसिटी डिस्टिलेशन का है, ज़्यादा हमें डिस्टिल आउट करने का है पर आवर पर डे बेसिस में। तो इन ऐसे केस में कौन सा वाला हम यूज कर सकते हैं, ट्रे कॉलम या पैक कॉलम, और क्यों? देखिए, मोस्टली जो अभी स्टैंडर्ड जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है, जैसे रिफाइनरी वगैरह है, रिफाइनरी और फर्टिलाइज़र में, जहाँ पे बहुत हाई लेवल का डिस्टिलेशन होता है, हाई कैपेसिटी का, वहाँ पे ट्रे कॉलम यूज किया जाता है, क्योंकि ट्रे कॉलम सूटेबल रहता है हाई कैपेसिटी के लिए। और पैक बेड कहाँ पे यूज होता है, पैक बेड जनरली जहाँ पे हमारा कैपेसिटी ज़्यादा हाई नहीं है, लो है, वहाँ पे ये पैक बेड यूज़ होता है। अभी आपके प्रोसेस के हिसाब से आपने कैलकुलेशन निकाला और आपका रिक्वायर्ड डायमीटर अगर 1 मीटर से ज़्यादा आता है, तो आपको ट्रे कॉलम यूज़ करना पड़ेगा। और अगर रिक्वायर्ड डायमीटर आपका कैपेसिटी के हिसाब से, आपके प्रोसेस की कैपेसिटी के हिसाब से, अगर रिक्वायर्ड डायमीटर लेस देन 1 मीटर आता है, 0.75 मीटर, तो आप पैक बेड कॉलम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है पैक बेड कॉलम और ट्रे कॉलम में, वो है करोजिव लिक्विड का हैंडलिंग। तो अगर आपका मटेरियल करोजिव है, तो ऐसे केस में आपको पैक बेड कॉलम की तरफ जाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ ट्रे कॉलम। तो ये हुआ थर्ड डिफरेंस। अब चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि जनरली आपका अगर कॉस्ट सेविंग करना है, आपका लो कैपेसिटी वाला डिस्टिलेशन सिस्टम है, करोजी हुए, और आपको अगर अंडर वैक्यूम यूज़ करना है, तो मोस्टली क्योंकि अंडर वैक्यूम वाले जो सेटअप है ना, मोस्टली ये पैक बेड कॉलम में सूट करते हैं। तो पैक बेड का अगर आपका वैक्यूम सिस्टम है, तो पैक बेड कॉलम में जाइए, अदरवाइज आप ट्रे कॉलम में भी जा सकते हैं। ट्रे कॉलम में भी ऐसा कोई ये नहीं है कि आप वैक्यूम नहीं यूज़ कर सकते, बट मोस्टली अगर एकदम लार्ज डायमीटर हो, वहाँ पे वैक्यूम यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो नेक्स्ट डिफरेंस है प्रेशर ड्रॉप। तो प्रेशर ड्रॉप कौन सी केस में ज़्यादा होता है, पैक बेड और ट्रे? तो देखिए दोस्तों, तो ट्रे कॉलम जो है ना, ट्रे कॉलम के केस में हमें हाई प्रेशर ड्रॉप मिलता है। हाई प्रेशर ड्रॉप मतलब कॉलम का जो टॉप और बॉटम सेक्शन है, उन दोनों में ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस मिलता है। कौन सी केस में? ट्रे कॉलम के केस में जो कॉलम अक्रॉस कॉलम का जो प्रेशर ड्रॉप होता है, प्रेशर होता है, वो हाई मिलता है ट्रे कॉलम में, और पैक बेड में हमें कम मिलता है एज कम्पेयर टू ट्रे कॉलम, कंसिडरिंग द सेम केस। अभी डिज़ाइन करने की बात है, तो डिज़ाइन जो है पैक बेड कॉलम की, वो एज कम्पेयर टू ट्रे कॉलम ईजी है, जिसमें एरर आने के चांसेस भी जो है पैक बेड कॉलम के जो डिज़ाइन मेथड में, उसमें बहुत कम रहता है। और ट्रे कॉलम की अगर बात करें, तो उसमें एरर आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, और मेथड भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कौन से केस में, अगर सेम केस डिश हम कंसीडर करें कि दोनों में भी कंडीशन में हम सेम ही डिस्टिलेट करने वाले और डिज़ाइन करें ट्रे कॉलम और एक पैक बेड कॉलम, तो ऐसे केस में जो है ना, ट्रे कॉलम की हाइट ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू पैक बेड कॉलम। पैक बेड कॉलम में हम हाइट रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि ट्रे में हाई होती है, तो हाइट का जो बेनिफिट है, वो हमें पैक बेड कॉलम में देखने को मिलेगा। और जो अनदर मेन एडवांटेज और डिफरेंस है, वो कॉन्टैक्ट।
जो मास ट्रांसफर ऑपरेशन है हमारा, डिस्टिलेशन क्या है, मास ट्रांसफर ऑपरेशन। तो मास ट्रांसफर जो है, जो जहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा मिलेगा ना, वहाँ पे मास ट्रांसफर ज़्यादा होगा। तो पैक बेड कंडीशन में पूरा बेड जो है ना पैकिंग होता है, और पूरे बेड के में है ना जो मास ट्रांसफर होता है, और उनको सरफेस जो ज़्यादा है ना वो पैक बेड में मिलता है एज कम्पेयर टू ट्रे कॉलम। क्योंकि ट्रे में जहाँ पे ट्रे होता है बस वहीं पे ही मोस्टली ज़्यादा मास ट्रांसफर होता है, तो वहीं पे ही उनका कॉन्टैक्ट होता है वेपर और लिक्विड का। सो अगर हम मास ट्रांसफर की बात करें और कॉन्टैक्ट एरिया की बात करें तो पैक बेड में ज़्यादा मिलता है। और लास्ट वन जो एप्लीकेशन की बात करें कि कहाँ पे कौन सा यूज़ किया जाता है, तो जो पैक बेड कॉलम है ना, जैसे कि स्मॉल इंडस्ट्रीज लाइक स्मॉल केमिकल इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे नॉर्मल केमिकल के ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल डाइंस में वगैरह, ऐसे स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली पैक बेड कॉलम यूज़ किया जाता है। और जो लार्जर इंडस्ट्री है जैसे कि फर्टिलाइजर्स है और रिफाइनरी है, तो वहाँ पे ट्रे कॉलम का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये रहे थे मेन 9 और बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो पैक बेड कॉलम और ट्रे कॉलम के सिलेक्शन में आपको हेल्प करेंगे। आई होप कि अपने को वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं मेरे तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका कोई भी कुछ इंक्वायरी रहे तो मेरे ईमेल एड्रेस पे आप मेल कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।